है अनिरुद्ध, कैसे हो? तुम्हारा फोन ऑफ था इसीलिए वॉइस नोट भेज रही हूँ। एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ एक गुड न्यूज शेयर करनी है। कल अनुपमा और वनराज का डिवोर्स होने जा रहा है, विच मीन्स फाइनली मेरी इनसिक्योरिटीज, मेरा दर्द, मेरी सारी प्रॉब्लम्स कल खत्म हो जाएंगी। फाइनली वनराज और मैं एक ऑफिशियली एक कपल की तरह रह सकेंगे फिर। आई एम सो हैप्पी अनिरुद्ध, आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू। प्लीज कॉल मी व्हेन यू गेट दिस, ओके? बाय। सूर्या, आज हमारी वजह से तेरा ये दिन खराब हो गया। प्लीज, अब जो है सो है। जानती हूँ जो कुछ भी आज हुआ वो ऐसे नहीं होना चाहिए था, पर ये तो सच है ना। 43 सालों में पहली बार मैंने अपने दिल की सुनी, अपने बारे में सोचा है, अपने लिए एक फैसला लिया है। पहले सारे फैसले मां लेती थी, फिर पा और तोसु के पापा। हम मैं तो आज तक सबकी मर्जी से चली हूं, सबका मुझ पे हक रहा है। थोड़ा हक तो मेरा भी होना चाहिए ना मेरी जिंदगी पर। कम से कम एक फैसला तो मेरा होना चाहिए। जब देखो तब वही बातें, वही बहस, वही झगड़ा, और फिर ये भी नहीं पता कि मेरे पास कितने दिन बचे हैं। पर जितने भी बचे हैं मैं उन्हें लड़ाई झगड़े में नहीं बिताना चाहती। अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप लोग सब मुझे खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, फिर अब क्या हो गया? फिर से वही गुस्सा, वही शिकायतें, क्यों? अगर आप लोग सच में मुझे खुश देखना चाहते हैं, मेरे खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे मेरा फैसला बदलने के लिए मजबूर मत कीजिए। मेरा साथ दीजिए ने, और अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम मुझे अकेले चलने दीजिए, मेरे पैरों में बेड़िया मत डालिए। तलाक मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि मैं तलाक के नाम से खुशी से एकदम झूम रही हूँ, मुझे मजा आ रहा है, मुझे खुशी हो रही है। बहुत तकलीफ हो रही है बाप, बहुत बहुत तकलीफ हो रही है, और ये तकलीफ और भी बढ़ जाती है जब आप सब ऐसे। क्यों मुझे सबको बार बार मनाना पड़ता है? क्यों मुझे बार बार सबको समझाना पड़ता है? सोचिए ना, अगर किसी की उंगली जरा सी कट जाए तो इतना दर्द होता है कि दर्द में रो पड़ते हैं। मैं तो अपनी जिंदगी के 25 साल कट के अलग कर रही हूं, तो मुझे कितना दर्द। इस दर्द को और मत बढ़ाइए। कल तलाक है, कल तलाक है, होगा और कल तलाक है, होगा और होकर ही रहेगा, होगा और होकर ही रहेगा, क्योंकि यही सही है। डोंट वरी,
सब ठीक होगा। वो कुछ ठीक होने देगी तब ठीक होगा ना। जब भी हमारे घर में कोई खुशी का मौका आता है या कोई सेलिब्रेशन होती है तो वो औरत रंग में भंग डालने आ जाती है। I just don't understand, भाई ऐसी औरत से प्यार कैसे कर सकते हैं? मुझसे तो उसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती। भगवान करे कि भाई उसे हमेशा के लिए छोड़ दे और वो हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाए। वी प्लीज, एटलीस्ट आप तो शांत हो जाइए, मैं मम्मी को देख कर आती हूँ। वी, आई नो कि तुम अपसेट हो, लेकिन आज मैंने जो कुछ भी किया ना वो मुझे करना था, अपने लिए करना था। वी, आई नो कंफ्यूज्ड हो, तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन जब अनुपमा तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती तो फिर तुम क्यों उसे फोर्स कर रहे हो? वी, ये पेन, ये कंफ्यूजन ना, ये सब बस एक ही दिन की बात है, ट्रस्ट मी, ये सब ठीक हो जाएगा उसके बाद। आज के लिए आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मगर कल तुम इसी बात के लिए मुझे थैंक्स करोगे। तुम अनुपमा की खुशी चाहते हो ना, उसकी खुशी डिवोर्स में है और मेरी खुशी तुम में है। भी अनुपमा को डिवोर्स मिल जाएगा और मुझे तुम मिल जाओगे, वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहेगी और भी तुम मेरे साथ। भी आज जो हुआ उसे भूल के आने वाले कल के बारे में सोचते है ना, डिवोर्स के उस पार एक परफेक्ट हैप्पी लाइफ हमारा वेट कर रही है। भी भी तुम इतने अपसेट हो के मुझसे बात भी नहीं करोगे क्या? बात करने ही आया हूँ। तुमने बहुत कोशिश की ना, मेरा और अनुपमा का डिवोर्स कराने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, बट अनफॉर्चुनेटली यू फेल्ड मिजरेबली। मैंने तुम्हें कहा था ना कि डिवोर्स तक मुझे कोई लड़ाई, कोई कंफ्यूजन, कोई नाटक, कोई ड्रामा नहीं चाहिए, लेकिन तुम नहीं मानी। मैंने कहा था मेरी फैमिली से दूर रहना, लेकिन तुम नहीं मानी, तुमने अपनी मनमानी की। अब मैं अपनी मनमानी करूंगा, मैं अनुपमा को डिवोर्स नहीं दूंगा, समझे? तुम चाहे रो, चीखो, चिल्लाओ, लेकिन मैं कल अनुपमा को डिवोर्स नहीं दूंगा। ना मैं कल कोर्ट जाऊंगा, ना अनुपमा को डिवोर्स दूंगा, और ना ही अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुमने मेरी खुशियों में आग लगाई है काव्या, मैं तुम्हारे अरमानों पे पानी फेर दूंगा। ठीक, ऐसे देखो,